नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट कस्टर्ड केक बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसे हम बिना किसी अंडे, कंडेंस मिल्क या फिर ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे जो घर में मौजूद ना हो। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान है। इसे चाय कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1 कप हमने ये दूध लिया है, 3/4 कप हमारी ये चीनी है और 1/2 कप हमने ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। इसके अलावा 1/2 कप हमने तेल लिया है, वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। तो इतनी चीजें हमें चाहिए। तो चलिए फटाफट हम ये कस्टर्ड केक बना के तैयार कर लेते हैं। ये कस्टर्ड पाउडर को हम सबसे पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल दूध है, कुछ गर्म दूध नहीं लेना है हमें, एकदम नॉर्मल हमने ये दूध ले लिया है। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, एकदम स्मूथ सा हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है, कोई लम्प्स नहीं है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। इसे साइड में हम रख देते हैं, एकदम अच्छे से इसे हमें मिक्स करके रखना है। ये देखिए इसे साइड में रख देते हैं। मैदे को हम छलनी में डाल के छान लेते हैं। तो मैदे के साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हम ये बेकिंग पाउडर इसमें डाल देते हैं और 1/2 चम्मच हम इसमें ये बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। तो अच्छे से छान लेते हैं। छानने से क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। साइड में रखते हैं और अब हम ये चीनी और ऑयल को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये हम जो कस्टर्ड ऑयल और मिला हुआ जो दूध है इसे हम इसमें डाल लेते हैं और अच्छे से ये देखिए एकदम हमने चीनी को एकदम घुल जाने तक मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे मैदे के मिश्रण में डाल देते हैं और मिक्स करेंगे इसे। धीरे धीरे हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ये कस्टर्ड वाला दूध भी इसमें डालते जाएंगे। 2-3 बार में हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। एकदम अच्छा स्मूथ पेस्ट हमें बना लेना। ये हमने सारा कस्टर्ड वाला मिश्रण इसमें डाल दिया है। ये देखिए एक बार अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है, कोई लम्स नहीं है। ये देखिए एकदम अच्छा स्मूथ बैटर तैयार हो गया। तो अब हम इसे केक टिन में डाल देते हैं। हम इसे लो फ्लेम में बना रहे हैं, आप चाहें तो गोल टिन या चौकोर टिन, जो भी आपके पास टिन हो उसमें बना लें। इसे एक बार अच्छे से टैप कर देंगे जिससे ये सेट हो जाए। तो आप चाहें तो अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो थोड़ा सा ऊपर से डाल दें तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा। नहीं है तो आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आप चाहें तो इसे ओवन में बेक करें या कढ़ाई में। तो हमने 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले ही ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसे अब हम ओवन में रख देते हैं और इसे हम 180 डिग्री पर पूरे 45 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 45 मिनट के बाद हमारा ये केक इस तरह से पक गया है। ये हमने टूथपिक डाली तो टूथपिक एकदम साफ बाहर आ गई है। इसे हम वायर रैक के ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, तब हम इसे टिन से निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक ये बना है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ये देखिए इसके पीसेस हमने काटे हैं तो ये देखिए कितना अच्छा जालीदार एकदम हल्का और स्पॉन्जी केक बना है। खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है और आप इसे आराम से हफ्ते भर रख के खा सकते हैं। इतनी जल्दी ये खराब नहीं होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।